हेलो फ्रेंड्स, सतीश तिवारी हियर फ्रॉम इथिकल हैकिंग ट्यूशन सेंटर जयपुर एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल स्लैश डॉट इन। सो टुडे इन दिस ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू कॉन्फ़िगर डीएचसीपी सर्वर एंड डीएचसीपी रिले एजेंट। ओके, इसका मतलब आज हम इस ट्यूटोरियल में डीएचसीपी सर्वर एक राउटर के ऊपर कैसे कन्फिगर करते हैं और बहुत सारे पीसी, मल्टीपल पीसी जो कि किसी दूसरे नेटवर्क में है और किसी दूसरे राउटर से कनेक्टेड हैं, उनको हम डीएचसीपी क्लाइंट कैसे प्रोवाइड करते हैं, क्लाइंट सर्विस। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो हमारा राउटर वन होगा इसको हम डीएचसीपी सर्वर बनाने वाले हैं। और ये हमारे डीएचसीपी रिले एजेंट है। ठीक है, तो हमारा डीएचसीपी सर्वर और ये दोनों राउटर, राउटर टू और राउटर थ्री आप देख रहे हो, ये दोनों हमारे डीएचसीपी रिले एजेंट होंगे। ठीक है, और हमारा डीएचसीपी सर्वर कौन होगा, हमारा राउटर वन, ये डीएचसीपी सर्वर होगा हमारा। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप देख सकते हो टोटल थ्री राउटर्स हैं, R1, R2 एंड R3। R1 जो राउटर है हमारा, वो कनेक्ट, जो हमारा डीएचसीपी सर्वर है वो कनेक्टेड है नेटवर्क वन और नेटवर्क टू से। जो हमारा सेंट्रल राउटर यानी डीएचसीपी रिले एजेंट, जो सेंट्रल राउटर है वो कनेक्टेड है नेटवर्क टू, थ्री और फोर से, और जो राउटर थ्री है वो कनेक्टेड है नेटवर्क थ्री एंड नेटवर्क फाइव से। तो जो हमने एड्रेस दे रखा है, पहले हम इसके अनुसार आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको राउटर के ऊपर, राउटर के इंटरफेसेस के ऊपर आईपी एड्रेस कैसे असाइन करते हैं आपको आती होगी। अगर आपको नहीं आती है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो, फिर भी मैं आपको समझ के लिए मैं अभी आपके सामने आईपी एड्रेस असाइन करूँगा। सबसे पहले मैं पहले राउटर पर चलता हूँ। ठीक है, नो इनेबल कॉन्फ़िगरी, फर्स्ट इसको R1 कर देते हैं। ठीक है, R1 राउटर के ऊपर हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो R1 राउटर के सबसे पहले FA इंटरफेस पे जाते हैं, इंटरफेस FA00, और इस पे IP एड्रेस देते हैं हम 1.0.0.1, सबनेट मास्क, और फिर इस पोर्ट को अप कर देते हैं नो शट कमांड से। आप देखोगे अब राउटर का जो FA00 है पोर्ट, वो ग्रीन हो गया। अब यहाँ से एग्जिट करते हैं। अब चलते हैं राउटर के सीरियल इंटरफेस, जिसको AC00 पे, और इस पे IP एड्रेस जो हमारा है वो है 2.0.0.1, और उस पर क्लॉक रेट सेट कर देते हैं क्योंकि सीरियल इंटरफेस है, ये DC पोर्ट है। ठीक है, तो इस पर हम लोग क्लॉक रेट सेट कर देते हैं, और इसके बाद नो सेट कमांड से इसको भी अप कर देते हैं। तो ये था हमारा पहले राउटर पे IP एड्रेस साइन करने का काम। चलो, पहले राउटर पे IP एड्रेस साइन हो गया, चलते हैं दूसरा राउटर यानी सेंट्रल राउटर, राउटर टू के ऊपर। सेम काम इसमें भी करते हैं हम लोग, कॉन्फ़िगर मोड में जाते हैं और सबसे पहले इसको होस्ट नेम दे देते हैं। तो ये सेंट्रल राउटर, इसको R2 राउटर हमारा, तो इसको R2 दे दिया हमने। ठीक है, इसके इंटरफेस FA00 पे कौन सी IP है, 4.0.0.1, तो देते हैं IP एड्रेस 4.0.0.1, और इसकी सबनेट मास्क दे दिया हमने, और पोर्ट को अप कर दिया जैसे नोट शर्ट कमांड से। देखो आप, FA00 पोर्ट सेंट्रल राउटर का ग्रीन हो चुका है। अब चलते हैं, इससे राउटर इंटरफेस से बाहर निकलते हैं, चलते हैं इंटरफेस AC000 पे, और उस पर IP एड्रेस हम दे देते हैं 2.0.0.2, आप देख सकते हो डायग्राम में, और
पोर्ट को हमने कर दिया, तो हमारा काम यहाँ भी हो चुका है। अब हम चलते हैं इंटरफेस AC001 राउटर, जो सेंट्रल राउटर है यानी राउटर R2 के इंटरफेस AC001 पे। यहाँ लिखते हैं इंटरफेस AC0/0/1 और इस पे IP एड्रेस आप देख सकते हो 3.0.0.1 है, और उसको भी हम लोग क्लॉक रेट देते हैं क्योंकि इस पे क्लॉक DC पोर्ट है। आपको वॉच का निशान दिख रहा होगा, तो क्लॉक रेट और 69। ठीक है, एग्जिट कर जाते हैं। तो हमने इस राउटर के तीनों इंटरफेस पे दे दिया। अब चलते हैं थर्ड राउटर यानी राउटर 3 पे ऊपर। ठीक है, हमने किया नो, कॉन्फ़िगर मोड पर चलते हैं, होस्ट नेम असाइन करते हैं R3, और R3 के FS00 पोर्ट पर चलते हैं पहले। उस पर क्या IP एड्रेस है, 5.0.0.1, तो IP एड्रेस दे देते हैं 5.0.0.1 और 69 से पोर्ट को ग्रीन कर दिया हमने। इस इंटरफेस से बाहर निकलते हैं, चलते हैं राउटर के इंटरफेस AC00 पे। और यहाँ पर IP जो होगा 3.0.0.2 होगा, और इसको भी हम अप कर देते हैं 69 कमांड से। तो अब आप देख सकते हो कि तीनों राउटर पे हमने IP एड्रेस असाइन कर दिया। ठीक है, तीनों राउटर पे हमने IP एड्रेस असाइन कर दिया। अब हम तीनों राउटर पर जाकर राउटिंग कर देते हैं। कोई भी राउटिंग आप कर सकते हो, स्टैटिक राउटिंग या डिफ़ॉल्ट राउटिंग या रीप राउटिंग। ठीक है, तो मैं सबसे पहले चलता हूँ राउटर R1 पे और मैं रीप राउटिंग कर देता हूँ उस पर। तो कॉन्फ़िग मोड में आएंगे सबसे पहले और चलाएंगे राउटर रीप, वर्जन दे देते हैं और नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है 1 और 2। ठीक है, एग्जिट कर दिया हमने और जो भी चेंजेस थे उसको हमने सेव कर दिया। तो राउटर R1 के ऊपर हमने राउटिंग कर दी। चलते हैं R2 के ऊपर राउटिंग कर रहे हैं सेकेंड स्टेप। तो राउटर रिप वर्जन 2 और राउटर 2 किससे कनेक्टेड है, नेटवर्क 2, 3 एंड 4 से। तो यहाँ पर लिखते हैं नेटवर्क 2, 3 एंड 4। ठीक है, एग्जिट करेंगे और जो भी चेंजेस किए उसको सेव कर देते हैं डू राइट कमांड से। तो हमारा मिडिल राउटर जो राउटर 2 था इसकी भी कोडिंग हो चुकी है। चलते हैं राउटर 3 के ऊपर और इस पर रीप राउटिंग कर देते हैं, एग्जिट कर लेते हैं और राउटर रीप वर्जन 2 और ये जो लास्ट राउटर है राउटर 3 किसे किसे कनेक्टेड है, R3 राउटर हमारे नेटवर्क 3 और 5 से है। तो यहाँ पर लिखते हैं नेटवर्क और नेटवर्क 5, एग्जिट करते हैं, टू राइट करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं राउटर 3 से यानी R3 राउटर से हम पिंग करने की कोशिश करते हैं राउटर जो कि DHCP सर्वर का राउटर है 2.0.1 से। तो पिंग करते हैं, ठीक है, तो देख सकते हैं सक्सेसफुली हो गया पिंग। ठीक है, तो हमारा राउटर 3 राउटर 1 से पिंग कर पा रहा है, मतलब तो हमारा कम्युनिकेशन ओके है, सबसे टफ है। अब हम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं DHCP सर्वर ऑन राउटर R1। तो राउटर R1 DHCP सर्वर होगा और वो किस किस नेटवर्क के लिए DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, 3 नेटवर्क के लिए। तो मैं आपको डायग्राम को थ्रू दिखा देता हूँ। ठीक है, तो पहला जो नेटवर्क होगा वो इसके लिए भी,
ये जो है पहला डीएससीपी हो गया, ठीक है। दूसरा जो हो गया वो ये हो गया, और हमारा जो तीसरा डीएससीपी होगा वो इस नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारे पास तीन नेटवर्क के लिए डीएससीपी पूल क्रिएट करना है, और तीनों के लिए इसी डीएससीपी सिंगल राउटर यानी राउटर R1 जो है हमारा, ये तीनों नेटवर्क को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा, इस तरह से हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो चलते हैं राउटर पे और डीएससीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। चलिए नाम देते हैं इसको, नाम देते हैं हम लोग पुल 1, इसको पुल 2, और इसको पुल 3, ठीक है। पुल 3 इन तो को पुल 1 पुल 2। चलते हैं डीएससीपी सर्वर राउटर जिसको कन्फिगर करना है हमें। तो अभी हम सबसे पहले राउटर यानी राउटर R1 पे हैं, जिस पर हम डीएससीपी पुल क्रिएट करने जा रहे हैं। चलिए अब चलते हैं आईपी पुल एंड पुल नेम पुल 1। सबसे पहले पुल 1 के लिए क्रिएट कर रहे हैं यानी नेटवर्क 1 के लिए, नेटवर्क 0 और जिसका सबनेट मास्क, ठीक है। और इन सब का डिफ़ॉल्ट आईपी क्या होगा, जो भी पीसी हैं पुल 1 के अंदर उनका डिफ़ॉल्ट आईपी क्या होगा, 1.0.0.1, तो दे देंगे 1.0.0.1। अगर कोई आपका डीएनएस सर्वर है तो वो भी आप दे सकते हो, मान हम देते हैं 2.2.2.2, ठीक है। एग्जिट, तो एक पुल क्रिएट हो गया। अब हमारा काम है दूसरा पुल क्रिएट करते हैं, पुल 2, ठीक है। और पुल 2 का नेटवर्क एड्रेस क्या है, आप देख सकते हो पुल 2 का नेटवर्क क्या है, 4 है। तो हम लोग यहाँ कर देंगे 4, और पुल 2 के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं उनका डिफ़ॉल्ट गेटवे आईपी क्या होगा, 4.0.0.1, तो डिफ़ॉल्ट राउटर 1। डीएनएस सर्वर आप कुछ भी दे सकते हो, हम 2 पॉइंट दे रहे हैं, ठीक है। एग्जिट कर दिया। अब हम करने जा रहे हैं पुल 3 के लिए यानी इसके लिए, इस नेटवर्क के लिए। तो पुल 3 नेटवर्क, और नेटवर्क ये कौन सा है, 5 है। सबनेट मास्क, ठीक है। और इसके बाद इसका डिफ़ॉल्ट, इन सब पीसी का, इस पूल के अंदर जितने भी पीसी हैं उनका डिफ़ॉल्ट आईपी क्या होगा, सॉरी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डीएनएस ठीक है, बस हो गया, और सब चीज़ को हम सेव कर देते हैं और सो रनिंग में देख लेते हैं, ठीक है। जो हमने पूल क्रिएट किया सब क्रिएट हो चुका है, अब हम चलते हैं टेस्ट करते हैं कि हमारा हुआ कि नहीं। तो चलते हैं पुल 1 पे, पीसी पे गेट डीएससीपी सेलेक्ट किया, ये देखिए आईपी एड्रेस मिल गया, डीएनएस सर्वर मिल गया, ये सारे पीसी पे मिल जाएंगे। इस पीसी पर भी जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, डीएससीपी सेलेक्ट करेंगे, अपने आप आईपी एड्रेस मिल जाएगा। लेकिन अब चलते हैं पुल 2 के अंदर और पीसी 4 पर जाएंगे,
और क्लिक करेंगे डीएससीपी तो आईपी नहीं मिलेगा, इन सही आईपी नहीं मिल पाएगा। क्या कारण, क्यों नहीं मिल रहा है ये, क्यों डीएससीपी फेल्ड क्यों बता रहा है ये? रीजन दिस कि ये पुल से जो भी सिस्टम है ये किसके पास रिक्वेस्ट लेके जाएंगे, राउटर टू जो मिडिल डीएससीपी रिले एजेंट है FA00 इंटरफेस पे जाएंगे, और इसको पता नहीं इस इंटरफेस को कि हमें आईपी कहाँ से लेना है। तो अब हम जाएंगे रिले आईपी के यानी रिले एजेंट वाले राउटर पे, और इस कॉन्फ़िगर मोड में जाकर इस इंटरफेस पे जाएंगे, क्योंकि जितने भी पीसी हैं वो इसी इंटरफेस पे जाएंगे FA00 पे, इसी से आईपी मांगेंगे। ठीक है, तो हम इस इंटरफेस पे जाकर और बता देंगे कि आईपी हेल्पर एड्रेस, और ये डीएससीपी जो रिले एजेंट है ये किससे हेल्प लेगा, डीएससीपी सर्वर से, और डीएससीपी सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, 2.0.0.1। ठीक है, तो हमने बता दिया कि आईपी हेल्प एड्रेस यानी इस इंटरफेस पे जब भी पीसी राउटर टू से जो कनेक्टेड है, पूल टू में जितने भी पीसी हैं वो राउटर टू के FA00 इंटरफेस पे जाएंगे। ठीक है, जिस पे 4.0.0.1 आईपी है इसके पास जाएंगे। तो इस पे हमने बता दिया कि तुम जाकर हेल्प किससे लो, 2.0.1 से, और ये जाकर लेगा 2.0.1 से और इनको आईपी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा लेने के बाद। देख सकते हो आईपी, ये मैंने कोडिंग कर दिया इंटरफेस FA00 पे। अब देखिए क्या होगा। ठीक है, अब देखो मिल जा रहा, सक्सेसफुल हो गया, जैसे ही हमने कॉन्फ़िगर किया सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, सिमिलरली ये पूल थ्री में जो पीसी हैं ये जाएंगे रिक्वेस्ट लेकर अपने राउटर राउटर थ्री के पास, उसके FA00 इंटरफेस पे, लेकिन FA00 इंटरफेस को अभी पता नहीं है कि उसका हेल्प एड्रेस कौन है, तो इस इंटरफेस पर जाएंगे और इसको भी बताएंगे। इस पर जाके बताएंगे आईपी हेल्पर एड्रेस, यानी तुम्हें किसे हेल्प लेना है, DHCP सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, 2.0.0.1 से। ठीक है, बस तो ये राउटर भी क्या करेगा, ये राउटर भी DHCP रिले एजेंट हो गया। अब ये किसके पास जाएगा, इस राउटर के पास, और यहाँ से जाकर आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये देखो 5.0.0.2। देख सकते हो सबको आईपी मिल गई, अभी सब काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के थ्रू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।